गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम लोग आज एग्जाम देने आए हैं और अभी टाइम है हम लोग को एक दो घंटा, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का शीशे में मोदी आ रहा है, तो हम लोग सब लोग ना अभी टाइम है इसलिए घूमने जा रहे हैं। ये कहा भाई नया कॉलेज देखो भाई, यहाँ पूरा कब्जा हो गया है, पुलिस लोग भर गया है, देखते हैं पुलिस लोग इधर चारों तरफ पूरा नया कॉलेज कब्जा कर लिया है, इधर भी। और ये है रास्ता और इधर सब लोग जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए, तो हम लोग बस घूमने के लिए जा रहे हैं क्योंकि जिस समय मोदी आएगा उस समय हम लोग गाइस देख सकते हैं इतना पब्लिक आ रहा है इधर से पूरा लंबा चौड़ा, क्योंकि तो भाई लाइने लाइन आ रहा है और हम लोग जाएंगे इधर। चलो भाई जल्दी जल्दी आओ, हम लोग अभी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं उधर देखने के लिए, तो अभी टाइम बचल है, सोच रहे थे कि घूम के आते हैं, क्या करेंगे इतना टाइम है, इसलिए अभी जा रहे हैं घूमने के लिए उधर। भाई लोग है सब पीछे देख सकते हैं और पूरा जनता जितना है सब आ रहा है उधर देखने के लिए। ये देख सकते हैं पुलिस लोग, VIP लोग, सब लोग आए हुए हैं इधर में और हम लोग जा रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए। और रास्ता इधर आगे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, हम लोग उधर जाएंगे फिर आप लोग को दिखाएंगे। देख सकते हैं बस लोगों को खेत डाग में उतार दे, इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, सब आ गए देखिए उधर से उधर से। ओ देखे कि भाई मोदी का इतना दबदबा है कि क्या बताए भाई, दो इन डाग सब नाला से, एक आदमी उल्टा झंडा लेके आया, कहाँ गया भाई, वो तो उधर उधर आगे सामने आके दिखाएंगे। देख सकते हैं भीड़ बहुत ज्यादा है, आज पूरा मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। दादा तो ठीक है नी, मोदी जी को आज देखना है ना, तब कैसा है, एकदम तैयारी में पूरा आए हैं ना। चलिए ठीक है, दादू जी पूरा तैयारी में लगल है एकदम, आज मोदी जी को देखने के लिए सब लोग जो लाइन में लगे हुए हैं। देख सकते हैं लाइन बहुत हैवी इधर लगा हुआ है। ये है भारतीय जनता पार्टी के लोग, तरबूज, अरे भाई 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 इधर तरबूज सब लगा हुआ है, खाने पीने का सामान सब भी बहुत ज़्यादा है और आप लोग देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और अभी जाएंगे उधर फिर आप लोग को दिखाएंगे क्या सीन है क्या नहीं। गई भाई भाई, ओहो पानी पूरी लगा गया, गड्ढा में घुस गया बेचारा, कोई बात नहीं भाई निकाल ले आराम से। तो गाइस देख सकते हैं वहाँ पे हेलीप्लेट बनाया गया है, मोदी जी वहाँ पे उतरेंगे उस जगह पे, वो हेलीकॉप्टर में वहाँ पे वो गाड़ी जो है पानी टैंक वाला वो पूरा पानी मार रहा है ताकि जो कचरा ना हो, ये सोचकर फिर थोड़ा सा आगे में जाएंगे तो इधर जो है पूरा टेंट लगा हुआ है बहुत ही खतरनाक टाइप से, पुलिस फोर्स चारों तरफ लगा हुआ है आगे तक, देख सकते हैं आप लोग। ये देखो गाड़ी भाई पूरा डांग डांग भरा हुआ है, देख सकते हैं हाईवे पेट्रोल से लेकर हर चीज़, देख सकते हैं गाड़ी वाड़ी पार्किंग बहुत ज़्यादा हुआ है इधर। और ये रहा नरेंद्र मोदी जी का टेंट, यहाँ से एंट्री होती है इधर VIP। हाँ देखिए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेंट लगाया हुआ है जगह पे, यहीं पे आएंगे नरेंद्र मोदी भाषण देंगे, अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है, अंदर जाएगा देखने के लिए। हम यहाँ पे VIP एंट्री है कई जगह, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे VIP एंट्री है। गुमला पुलिस तो गाइस देख सकते हैं पूरा भीड़ लगा हुआ है चारों तरफ, पीछे लोग का है देख सकते हैं, इतना ज्यादा गाड़ी 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 पार्किंग। और इधर है हम लोग का बनाया हुआ नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, अरे भाई एक से ले गेट स्टेज बना हुआ है, सब आके भाग गया का तेरे की। तो ये है VIP वाला एंट्री और इधर है सब गरीब भिखारी लोग उधर बैठेगा, तो इतना अन्याय हो रहा है देख सकते हैं यहाँ पे। इधर है VIP एंट्री, मतलब VIP लोग जो है कहीं ज़्यादा, वो लोग को बैठने के लिए छाया मध्य मिला गया है और जितना गरीब लोग है सब इधर बैठेंगे और सब जा रहे हैं इधर से बैठने के लिए। कहते हैं मोदी जी के असली अंधभक्त लोग उसका पोस्टर लगा के घूम रहे हैं। केला छाप बहुत बढ़िया भाई, सब लोग जो है पूरा एंट्री करने में लगे हुए हैं, तेरे के मोदी का पूरा एकदम फोटो लगा के घूम रहे हैं सब पीछे आगे पीछे आगे पीछे सब तरफ। तो गाइस जब हम लोग घुस के नहीं दिखा सकते, हम लोग का किस्मत आज खराब है कि एग्जाम है जिस समय मोदी जी आएंगे, अगर नहीं रहता तो आप लोग को पक्का दिखाते, पर क्या करें मेरी बदकिस्मती हम आपको नहीं दिखा सकते, इतना ही दिखा सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, घुस गए ना तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अब चलते हैं, एग्ज़ाम का टाइम हो रहा है, सब चलते हैं उधर वापस से एग्ज़ाम लिखने के लिए। तो आप लोगों ने देख लिया हमारा शीशे ही छोटा सा टाउन में
पहली बार मोदी जी आ रहे हैं गुमला जिला क्षेत्र में, झारखंड गुमला जिला क्षेत्र में। और स्टेज तो भाई क्या ही बताएं, बहुत स्टेज में सब बहुत भयानक भीड़ हो गया है। बाजार 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 इतना भारी आ रहा है, इतना भारी आ रहा है सब, क्या बताएं। मोदी के देखने के लिए, मोदी को देखने के लिए इतना भारी। वही ना, आज क्या लिखेंगे एग्जाम में, मोदी आया, भाषण दिया फिर चला गया। पॉलिटिक्स वैसे आज राजनीतिक विज्ञान है ना, ये क्या मशीन है भाई, बहुत गजब दिख रहा है। भीड़ देखिए एक बार, भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है। बीजेपी के अंधभक्त लोग आ गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। हाय मामा, क्या हाल चाल, ब्लॉग में आपका स्वागत है। पिलवाई से पुलिस लोग छवा गया है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो है वीआईपी एंट्री बनाया गया है, जो मेन आदमी है, जो भी नेता के जो लोग हैं, जो सरकारी आदमी है, बस वही लोग को एंट्री किया जाता है, बाकी सबको उधर उधर भेज दिया जाता है। देखते हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्स्ट टाइम शीशे में इतना पब्लिक आ रहे हैं अभी मोदी जी के कारण। देख सकते हैं पूरा लाइन लगा हुआ है सब तरफ, मोदी के अंधभक्त लोग सब जा रहे हैं मोदी का फोटो लगा के। मोदी के अंधभक्त लोग फोकस। हेलो गाइस, हेलो गाइस, देख सकते हैं इधर भीड़ बहुत ज्यादा है, इधर से आ गए। फोन हुआ है, देखिए आप लोग भीड़ लगा हुआ है सब तरफ से आ गए हैं, अलग अलग जगह से, दूर दूर से। तो फाइनली गाइस मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितना भी लोग आप लोगों ने देखा सब सिर्फ आदिवासी और हिंदू थे, मुसलमान में से कोई भी नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लोग सब लोग कांग्रेस को वोट देता है इस वजह से। और यहाँ पे इस हालात को देखते हुए समझ में आ रहा है कि आदिवासियों को क्या बताएं, शिक्षा का सबसे ज़्यादा जरूरी है, किसे वोट देना है ये लोगों को पता नहीं है, सब सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट दे आ गए हैं। तो देख के और अब जाते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए, और हम लोग का टाइम अभी एग्ज़ाम लिखने का है, और अब जाएंगे एग्ज़ाम लिखने के लिए। और हम लोग का बहुत बदकिस्मती यही था कि हम लोग देख नहीं पाए उसको, तो काम है। तो अब जा रहे हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए, अब हम लोग एग्ज़ाम का टाइम हो गया है, और कॉलेज हम लोग पहुंच गए। देखिए इधर तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों का डेरा बस्सी का मिला हुआ है, नया कॉलेज में हम लोग का कॉलेज में सब लोग हैं। तो गाइस देख सकते हैं कॉलेज कंपाउंडर को पूरा ये लोग का बस स्टेशन बना दिया है, सब आया यार यहीं पे लगा दिया। हम लोग गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे बताओ यार, कॉलेज का स्टूडेंट लोग गाड़ी रखने लोग का मुश्किल, क्या बताएं भाई, ऐसा ऐसा स्थिति हो गया है हम लोग का कॉलेज में। तो गाइस यार हम यही बोलेंगे कि इस बार जिसका इसका 18 साल हो गया है, वोट देना ना भूलिए, और वोट दीजिए अपने देश के लिए दीजिए, ये नहीं कि किसी धर्म या किसी पार्टी के लिए वोट मत दीजिए, अपने लिए वोट कीजिए और अपने देश के लिए वोट कीजिए। बस इतना ही कहते हैं, अगर आप लोग जाते हैं एग्जाम लिखने के लिए, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, टाटा बाय बाय, जय हिंद। पहला वाला इसमें आ रहा है, तीन को आएगा। तो क्या करने के लिए घूम रहे हैं, क्या होते होते के मोदी के होते। सो गाइस मोदी लैंड कर चुका है, उसको देखने के लिए सब भीड़ लगा हुआ है इधर चारों तरफ, देख लीजिए सब कॉलेज। हम लोग का एग्जाम का पागी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे खड़ा हो गए, मोदी जी उतर गया, सब लैंड कर गया, सब कॉलेज के स्टूडेंट जितना देख सकते हैं चारों ओर सब लोग जमा होकर देख रहे थे मोदी जी को, और मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ गया। और हम लोग का बदकिस्मती ये है कि हम लोग देख नहीं पाए, बस खाली हेलीकॉप्टर दर्शन हुआ, और तो फिर अब थोड़ा देर बाद तो हम लोग एग्जाम लिखने के लिए घुस जाएंगे, फिर तो फिर कुछ उपाय ही नहीं है, मोदी चल जाएगा 1 घंटा बाद। आपको पूरा कार्ड मिला दादू, पूरा कार्ड मिला कि नहीं? मिलेगा, जब तक ना मिलेगा लड़ेंगे। हाँ, अकेले काफी हूँ, जगोग सरना कार्ड मेरे अंगों में है, जगोग 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 आधार कार्ड सरना कार्ड मेरे अंगों में है। और आधार कार्ड का क्या हाल हुआ? हाँ, उसको तो मोदी से ले गया, हम अकेले मोदी से ले गया जी सरकार। अच्छा 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 जी, तो पूरा कार्ड लेना है कि नहीं लेना? दाम लेना है भरपूर। हाँ,
ऐसे सब बच्चे लोग पढ़ के क्या कर मोदी जी आए थे समय आप गए थे कि नहीं मोदी जी आए थे समय गए थे कि नहीं जी सरकार गए थे हाँ मोदी जी ने क्या कहा बताइए जगह कहा तो खैर उस टाइम हम इधर चले आई सो गए थे प्लेट में सो ही नहीं थे बैठ गए थे इसी को लेके बांसुरी बजा गए थे जी अरे बाप रे बाप तो इस बार वोट देना है किसको वोट देना है अरे यही तो सबसे सत्यम शिवम सुंदरम अति सुंदरम मेरे तरफ से अच्छा वही सरकार दस बच्चर में इंदर नंजस बेटा और दस बच्चर चला बस हीरा नागपुर बिरजता खच्चो एन बिचाइलन चिंदन एन थोड़े पर्च कन मलकन बेटा चाचार को नौकरी नंबर की पांचवा पर लगा हुआ इसको विजयी विजयी बारे बा भगवान बनना या भाग कौन मामूली बात है सरना को मेरे हाथों पर है मेरे हाथों पर मानोगे या नहीं मानोगे एकदम मानेंगे वेरी गुड वेरी गुड।